हाथरस की घटना आज लोगों को झकझोर रही है। इधर झारखंड में भी दुष्कर्म की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक झारखंड में जनवरी से जुलाई तक 1033 रेप के मामले दर्ज हुए, जिसमें सिर्फ राजधानी रांची में 128 मामले दर्ज हुए। मामले को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला और महिला सुरक्षा पर फेल होने का आरोप लगाया। न्यू नर्मदा मेडिको 10% से 15% डिस्काउंट के साथ सभी प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम उपलब्ध। सेवा समय सुबह 6:30 से रात्रि 12 बजे तक। होम डिलीवरी ₹40 प्रति 10 किलोमीटर। एड्रेस MG रोड, रांची, झारखंड। बीजेपी ने हेमंत सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि कुछ ही महीनों में रेप के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। राज्य सरकार को न्यायिक जांच करानी चाहिए। चुनाव में महिला सुरक्षा का वादा करने वाली महागठबंधन सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में फेल है। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हर 3 लाख की आबादी पर एक महिला थाना स्थापित होगा। जो झारखंड राज्य का पुलिस बल होगा उसमें 33% महिलाओं की नियुक्ति होगी। जो भी मामले होंगे महिलाओं के साथ उत्पीड़न से जुड़े हुए, उन मामले पे निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और तो और ये भी कहा गया था कि यौन हिंसा और उत्पीड़न से शिकार महिलाओं का पुनर्वास कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से ये पूछना चाहती है कि राज्य सरकार ये बताए कि इन वादों में से कितने वादे धरातल पर उतरे हैं। महिला समाचार के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।